अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को वेरी 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 ग्रैंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 इन हिंदी ग्रामर। चैप्टर नंबर 19 का क्या नाम है? अपठित गद्यांश। ये घ नहीं है, ये क्या है? द्या है, तो इसे क्या बोलेंगे? गद्यांश। अपठित, अपठित का मतलब जिसको आपने पढ़ा ना हो, और गद्यांश का मतलब एक पैराग्राफ का अंश, गद्यांश, गद्य का अंश, यानी कि पैसेज। इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज, यानी कि कोई भी एक पैराग्राफ कहीं से भी आपके सामने लाकर रख दिया जाता है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, और उसको पढ़ने के बाद फिर उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर तो इजी होता है क्योंकि सारे आंसर आपको पैसेज में से मिल जाते हैं, बट एज यू ग्रो पैसेज जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते जाते हैं, और उनका आंसर फिर खुद से सोच के बना के लिखना होता है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इजी होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, अपठित का अर्थ क्या होता है? पहले ना पढ़ा हुआ, जिसको आपने पहले ना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, उसे बोलते हैं अपठित। अर्थात अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है, गद्य मतलब पैसेस, गद्य का वह अंश है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, आपके सामने फर्स्ट टाइम आया हो। अपठित गद्यांश भाषाई योग्यता मापन के उपकरण के रूप में परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये परीक्षा में इसलिए दिए जाते हैं जिससे ये पता चल जाए कि बच्चों की भाषा की योग्यता क्या है। इनके माध्यम से बच्चों की पढ़कर समझने की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है कि कोई चीज हम याद करके आए हैं तो वो तो हम एग्जाम में लिखते ही हैं, लेकिन अगर इंस्टेंट हमारे सामने कोई चीज डाली जाए, कुछ भी पैसेज डाला जाए, तो क्या हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं? भाषा का अपरिचित स्थितियों में प्रयोग कर सकने की क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक, कि ऐसी स्थितियां हमारे सामने डाली जाती हैं जो हमारे लिए परिचित नहीं होती हैं, अपरिचित होती हैं। अपठित गद्यांश के अंतर्गत उससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले एक अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश होता है, देन आफ्टर क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमको राइट करने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तत्पश्चात गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, मतलब बहुत फास्ट पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी। प्रश्नों से संबंधित अंश को पेंसिल से चिन्हांकित करें, यानी कि सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, उसके बाद पैसेज पढ़ें, और जहां जहां प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं वहां वहां उसको अंकित कर दें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में दें, मतलब शॉर्ट में दें, और शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व गद्यांश के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझें। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, पता है क्या, कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक का मतलब अगर आपको इस गद्यांश का एक नाम देना हो, जैसे कहानी का नाम होता है, आप नाम के बाद ही कहानी को पढ़ते हो या ऐसा एहसास कर लेते हो कि कहानी अच्छी होगी या बुरी होगी, उसी तरह से जो भी अपठित गद्यांश होता है उसका एक शीर्षक पूछा जाता है। अब वो शीर्षक कैसे रखा जाए, वो सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सबका कहानी से जो मूल भाव लेने का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। शीर्षक पहचानने के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि गद्यांश का मूल विषय क्या है। गद्यांश का जो मूल विषय होगा वही उस गद्यांश का शीर्षक होगा। ठीक है, तो ये गद्यांश को पढ़ने से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमको रखना होता है। अब नीचे आपकी बुक में बहुत सारे गद्यांश दिए गए हैं, तो देखते हैं आज हम एक या दो कुछ गद्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं उसको उसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले पहले गद्यांश को चलते हैं लेकर और उसके प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर गद्यांश पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो 5 हैं प्रश्न, ये पहले गद्यांश के हैं। पहले हम इन 5ों प्रश्नों को पढ़कर समझ लेते हैं कि इनमें क्या पूछा गया है, फिर गद्यांश पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? खैरी कौन थी? खैरी किसी का नाम होगा, पूछ रहे हैं खैरी कौन थी। दूसरा है, खैरी कहाँ पाई गई थी? सही उत्तर चुनकर लिखिए, जंगल में पाई गई थी या अभयारण्य में पाई गई थी। ठीक है, तीसरा है, इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है? जो घटना उस गद्यांश में हुई होगी उससे क्या शिक्षा मिलती है? चौथा है, बाघिन का पुल्लिंग शब्द लिखिए। ये तो हम अभी लिख सकते हैं, बिना पढ़े लिख सकते हैं ना, बाघिन का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? बाघ।
और पांचवा है पालतू के लिए अनेक शब्द लिखिए। पालतू के लिए अनेक शब्द क्या होता है, मतलब पालतू के लिए अनेक शब्द का मतलब ये है कि पालतू शब्द हमारा एक क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब उसके लिए एक बड़ा सा वाक्य लिखना है कि व्हाट इज पालतू, पालतू किसे कहते हैं। तो ऐसा जानवर जिसे घर में बहुत प्यार से आराम से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है उसे पालतू कहते हैं। तो घर में पाल पोस कर बड़ा किया जाने वाला जानवर पालतू कहलाता है। ये हो गया, तो दो प्रश्न के उत्तर तो हम दे ही चुके हैं। अब तीन बचे हैं, खैरी कौन थी, कहाँ पाई गई थी और इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा गद्यांश की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं अपना गद्यांश। देखिए, ये है आपका पहला गद्यांश, सिमलीपाल अभयारण्य। सिमलीपाल अभयारण्य क्या होता है, अभयारण्य जो होता है ना, वहां क्या होता है, जानवरों को रखा जाता है, उस जगह को अभयारण्य कहते हैं। ऐसे जानवर जिनके पास घर नहीं होता है, जिनके जंगल उजड़ गए हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमने जानवरों के जंगलों को खराब कर दिया है, तो उनको रखने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े एरियाज में जंगल बनाए हुए हैं और उनको अभयारण्य कहते हैं, और वहाँ हर तरीके के जो जानवर हैं वो रहते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर बहुत प्यारे प्यारे अभयारण्य हैं और लोग वहाँ उनको घूमने भी जाते हैं और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर देख कर भी आते हैं। तो हमारे देश में, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे अभयारण्य हैं जिनके बारे में आप बहुत सारा जानते हैं, आपने याद भी किए हैं तो आपको पता है। तो एक और एक अभयारण्य है सिमलीपाल अभयारण्य। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये कौन से स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है। आपका कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है कि वेयर सिमलीपाल अभयारण्य इज सिचुएटेड। ठीक है, सेंचुरी भी बोलते हैं, सिमलीपाल सेंचुरी। सिमलीपाल अभयारण्य के जो निदेशक थे, मतलब डायरेक्टर थे, उनको ये पता चला कि एक मादा बाघ ने, मादा मतलब जो महिला बाघ होगी, उसने, बाघिन मतलब, ने एक बेटी को त्याग दिया है। त्याग दिया है का मतलब ये है कि अब वो उस बेटी की तरफ देख नहीं रही है, उसको छोड़ दिया है, उसको पाल नहीं रही है। बाघिन जब अपने शिशु को छोड़कर चली गई, शिशु मतलब वही उसका बच्चा, उसकी बेटी, और बाघिन मतलब वही मादा बाघ, तो वन अधिकारी ने उसे पालने का जिम्मा लिया। भाई वैसे तो कोई छोटा बच्चा उसको माँ ही पालती है, लेकिन जब माँ ने पालने से मना कर दिया तो जो वन के अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि इसको हम पालेंगे। मादा शिशु बाघिन का नाम खैरी रखा गया। अब ये हमें अंडरलाइन कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि खैरी कौन थी। तो जो मादा शिशु बाघिन थी ना, जिसका जन्म हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया, खैरी, क्योंकि वन अधिकारियों ने उससे पाला था। खैरी घर में अन्य पालतू जानवर की तरह ही रहती थी, मतलब वैसे तो वो बाघ थी, खतरनाक थी, लेकिन जो दूसरे पालतू जानवर थे वो वैसे ही रहती थी, इधर उधर घूमती थी और भूख लगने पर रसोई में पहुंच जाती थी। लाड़ प्यार ने खैरी को निर्भीक बना दिया। निर्भीक का मतलब क्या होता है, उसका डर निकल गया था, वो बिल्कुल निडर हो गई थी, उसको किसी से निडर लगता था। वह घर में आए मेहमानों की गोद में बैठ जाती। कुछ ही वर्षों में वह ताकतवर बाघिन बन गई। अब थी तो वो बाघ ही, तो बाघिन तो वो बननी ही थी। बाघ को भी पालतू बनाया जा सकता है, यह घटना इस बात की ओर तो संकेत करती ही है, साथ ही पता चलता है कि पशु भी प्रेम को समझते हैं। वैसे हम लोग कितना घबराते हैं शेर से और बाघ से, है ना, और पालतू जानवर तो मानते ही नहीं है इन्हें, लेकिन यहाँ पर यह घटना हमको ये बता रही है कि अगर आप प्यार से किसी को रखोगे तो आप उसको भी बाघिन बना सकते हो। उदारता और प्रेम से किसी को भी नया जीवन दिया जा सकता है। पशुओं के प्रति सहृदयता का इतना सुंदर उदाहरण आज तक सुनने में नहीं आया। ठीक, कि किसी बाघिन ने अपने बच्चे को पालने से छोड़ दिया हो, मना कर दिया हो, और वन अधिकारियों ने उसे अपने घर में पाला हो, बड़ा किया हो और एक अच्छी जिंदगी दी हो। ठीक है, बहुत तो सुंदर सा पैसेज था। अब पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, खैरी कौन थी, अब आपको पता चल गया है कि जो मादा शिशु बाघिन थी, ठीक है, जिसे मनुष्य के द्वारा पाला पोसा गया था, उसका नाम खैरी रखा गया था। खैरी कहाँ पाई गई थी, जंगल में पाई गई थी, अभयारण्य में पाई गई थी। तो अभयारण्य जो होते हैं वो बनाए गए होते हैं, स्पेशली प्रोटेक्टेड होते हैं, और जंगल तो अपने आप ही बन जाते हैं। तो खैरी हमको अभयारण्य में मिली थी। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति दया, प्रेम और सहृदयता का भाव रखना चाहिए, कि पशुओं को भी किसकी समझ होती है, प्रेम की समझ होती है, और उन्हें हमारे प्रेम की जरूरत भी होती है, और प्रेम की मदद से हम एक जंगली पशु को एक पालतू पशु भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसका उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। बाघिन का पुल्लिंग शब्द बाघ है, और पालतू के लिए अनेक शब्द क्या है, कि घर में प्यार से पाला गया, पोसा गया, बड़ा किया गया जानवर पालतू कहलाता है। ठीक है,
तो ये एक अनसीन पैसेज था जिसका एग्जाम्पल आपने देख लिया है, अब आप इसे अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे अनसीन पैसेज पर, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों ये है हमारा सेकेंड अनसीन पैसेज, जिसका पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, केरल की क्या विशेषता है, केरल की क्या विशेषता है। तो केरल के ऊपर ये आधारित है, उसकी विशेषता हमसे पूछी गई है। तीन प्रश्न और पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है, केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, इंद्र महाबली से भयभीत क्यों हो गए, इंद्र जो थे वो महाबली से भयभीत क्यों हो गए। और चौथा प्रश्न है कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है, जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ लिखने हैं। चार प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। केरल भारत का ऐसा प्रदेश है जहां बहुरंगी छटा देखने को मिलती है। बहुरंगी का मतलब क्या होता है, बहुत रंग वाली, अनेकों रंग वाली। तो केरल भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुरंगी छटा देखने को मिलती है। यहाँ भी देश के अन्य भागों की तरह अनेक पर्व मनाए जाते हैं, पर्व मतलब त्योहार। इन पर्वों में ओणम जो है वो सर्व प्रमुख है, और यह पर्व श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण का महीना जो होता है ना, सावन का महीना भी जिसे हम बोलते हैं, उस सावन के महीने में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं केरल के लोग। तो केरल में बहुरंगी छटा देखने को मिलती है, मतलब चारों तरफ ऐसा देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं और वो अपनी अपनी संस्कृतियां फॉलो कर रहे हैं और केरल को बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करते हैं। ओणम को मनाने के पीछे रोचक कहानी है। रोचक का मतलब क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, जो मन को अच्छी लगे वो। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में केरल में महावाली नामक राजा राज्य करते थे। ठीक है, उनके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से खुश थी, मतलब राजा बहुत अच्छे थे। उनके प्रताप से यानी कि उनके बहादुरी से इंद्र भयभीत हो गए कि ऐसा राजा जिसको हर आदमी पसंद करता है तो फिर मेरी पूजा कौन करेगा। तो इंद्र भयभीत मतलब इंद्र डर गए। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। तो भगवान विष्णु के पास गए इंद्र और उनसे बोले कि अरे महाबली की तो जो साख है वो बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में उनका ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे हुआ तो हमें और आपको कौन पूजेगा, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने धरती पर अवतार लिया, और कौन सा अवतार लिया, वामन का अवतार लिया। अब वामन का अवतार लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से तीन पग धरती मांगी। पग मतलब पैर। वो राजा के पास गए और उनसे कहा कि मैं भिक्षा लेने आया हूँ। अब इतने बड़े राजा, दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने आया है तो खाली थोड़ी ना जाने देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है मांगो जो मांगना है। तो वामन बोलते हैं, वामन छोटे से थे, मतलब हाइट में बहुत कम थे उनके, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने तीन पैरों के बराबर धरती आपसे लेना चाहता हूँ, मतलब मैं तीन पैर रखूंगा और उसमें मैं जितनी धरती नाप लूंगा उतनी धरती आप मुझे दे देंगे। तो राजा को लगा ये तो छोटी बात है, छोटा सा बच्चा है, तीन पैर में कितनी धरती चल पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके डन, आप ले लो। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने धरती नापना शुरू किया, उनकी उनका शरीर बड़ा होता चला गया। देखो क्या हुआ कि महाबली ने तीन पग धरती नापने के लिए सहर्ष अनुमति दे दी। सहर्ष मतलब बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। वामन ने क्या किया, एक पैर से सारी धरती नाप ली, मतलब इतना बड़ा पैर हो गया उनका। धीरे 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 करके, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि पूरी धरती उनके एक पैर के अंदर आ गई। और दूसरे पैर से तो उन्होंने सारे स्वर्ग को नाप लिया, दूसरा पैर से सारा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखे, इसके अलावा तो कुछ चीज बाकी नहीं थी। वे एक पैर से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर से सारा स्वर्ग नाप लिया, यानी कि सारी धरती उनकी हो गई, सारा स्वर्ग उनका हो गया। अब तीसरे पैर से क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो महाबली ने अपना सर झुका लिया और बोला कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दीजिए और मैं भी आपका हो जाता हूँ। तो इस तरह से उनके तीन पग धारण करने, तीन पग जो रखने की जो जो बात थी ना, वो महाबली ने पूरी की, और महाबली का नाम उसके बाद और फेमस हो गया। ठीक, तो ये एक छोटी सी रोचक कहानी थी जिसको कई सारे लोग अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। हमने तो खैर अपनी दादी रानी से सुनी होगी और कई बार पढ़ी भी और टीवी सीरियल्स में देखी भी है। तो आप भी देख सकते हो, अगर आपको ये एपिसोड देखना है ना महाबली वाला, तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक, तो ये बड़ा सुंदर सा क्यूट सा पैसेज था। इसके अब प्रश्न देखते हैं, केरल की क्या विशेषता है। केरल की ये विशेषता है कि केरल में बहुरंगी छटा देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका उत्तर भी आपको पता है कि केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है ओणम। ओणम मनाया जाता है केरल में। तीसरा देखिए, इंद्र महाबली से भयभीत क्यों हो गए? इंद्र महाबली से भयभीत इसलिए हो गए क्योंकि इंद्र को लगा कि महाबली का प्रताप तो बढ़ता ही जा रहा है, और अगर इसी तरह से प्रताप बढ़ता गया तो जनता महाबली को पसंद करने लगेगी और हमारी पूजा करना बंद कर देगी। तो इंद्र महाबली के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर भयभीत हो गए। ठीक है, अगला देखिए, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब रेखांकित शब्द कौन कौन से आए थे? जो पैसेज में थे वो वाले कौन कौन से? जैसे बहुरंगी, अनेक रंगों वाला, पर्व मतलब त्योहार, रोचक मतलब रुचिकर, मन को अच्छा लगने वाला, भयभीत होना का मतलब डरना, पग का मतलब कदम, और सहर्ष का मतलब क्या होता है? प्रसन्नतापूर्वक। ठीक है, पग का मतलब पैर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और नई नई जानकारियां अपने पास इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है ज़रूर जो हमारे लिए नया होता है, तो पढ़कर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दो पैसेज थे जो सॉल्व थे। अब कुछ और भी पैसेज हैं आपकी बुक में जो अनसॉल्व है, देखिए है ना, ये गद्यांश है, छोटा सा है, फिर इसके नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आप इन गद्यांशों को सॉल्व कीजिए और उनके उत्तर जो है वो अपने मन से लिखिए। ठीक, तो गद्यांश एक, दो और इसके आगे और भी हैं, देखती हूँ मैं कौन से हैं, एक दो और उसके बाद जो है ना वो आपके, उसके बाद आपका थर्ड भी है, यानी कि आपके पास में तीन पैसेज हैं। कितने पैसेज हैं? तीन पैसेज हैं। तो ये तीनों पैसेज क्या करने हैं आपको, इनके इनको पढ़ना है, पढ़ा बुक से लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखने की आपको नीड नहीं है कि आपको पूरा पैसेज जो है वो उतारना है अपनी नोटबुक में, लेकिन हाँ अगर कोई डिक्टेट कर देना आपको घर में तो बहुत अच्छा है, तो आप कर लीजिएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पैसेज आप नोट कीजिए, इनके क्वेश्चन आंसर पढ़िए और इनके आंसर्स भी लिखिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे सेफ, खुद का ध्यान रखिए और पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, और अब तो मैं कहूँगी कि जानवरों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।